नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, IPL 2021 में RCB टीम को अपना चौथा मुकाबला जो है राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलना है, वो भी 22 अप्रैल को। तो ऐसे में भाइयों, इस मैच से पहले RCB टीम से जुड़ी कुछ बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ, सारी बातचीत हम कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी RCB टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वहीं दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोजाना अपडेट्स आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचते रहे। वहीं दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली RCB को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी याद से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां भी आपको RCB टीम से जुड़ी हर एक अपडेट्स मिलती रहती हैं। बाय चांस वहां RCB टीम से जुड़ी न्यूज़ नहीं भी आती है तो वहां पर आपको क्रिकेट की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है रोज़ाना मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, RCB टीम जो है चौथा मुकाबला खेलने वाली है वानखेड़े के स्टेडियम में, वो भी राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। ऐसे में भाइयों, ये मैच जो है 22 अप्रैल को खेला जाएगा, जो कि शाम के 7:30 बजे से मुकाबला शुरू हो जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों, इस मैच में जो है RCB टीम कुछ बड़े बदलाव भी कर सकती है अपनी टीम में, जहां पर दोस्तों ओवरसीज खिलाड़ी के रूप में RCB टीम जो है एडम जैम्पा, केन रिचर्डसन या फिर डेनियल सैम्स या फिन एलन को अपनी टीम के प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है इस मुकाबले के लिए। वहीं दोस्तों, मैच से पहले पहली बड़ी खुशखबरी आ रही है कि RCB टीम ने जो है अभ्यास शुरू कर दिया है, टीम वानखेड़े पहुँच चुकी है। ये मुकाबला जो है टीम को वानखेड़े में ही खेलना है। पहले 3 मैचेस RCB टीम ने चेन्नई में खेले थे, लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ मैचेस जो RCB टीम वानखेड़े में खेलने वाली है। अब इसी कड़ी में दोस्तों, RCB टीम के सभी खिलाड़ी जो है कल वानखेड़े पहुंच गए और वानखेड़े में वो अभ्यास करते हुए दिखाई दिए। वानखेड़े में RCB टीम ने वहाँ पर प्रैक्टिस कैंप लगाया, जहाँ पर दोस्तों सभी खिलाड़ी जो है प्रैक्टिस कैंप का हिस्सा हुए और जमकर अभ्यास करते हुए नजर आए। इसके बाद दोस्तों, दूसरी खुशखबरी ये है कि RCB टीम के खिलाड़ी केन रिचर्डसन, एडम जैम्पा और फिन एलन, ये तीनों ही खिलाड़ी अभ्यास कैंप में नजर आए हैं और जमकर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं। फिन एलन जहाँ पर दोस्तों बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिए हैं, वहीं भाइयों एडम जैम्पा और केन रिचर्डसन जो अपने अपनी गेंदबाजी लगातार कर रहे हैं, इनकी तस्वीरें जो है RCB ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर कर दी है। अब ऐसे में दोस्तों, कयास ये भी लगाया जा रहा है कि तीनों खिलाड़ियों में से किसी एक को जो मौका भी मिल सकता है, RCB टीम जो है अपने चौथे मैच की प्लेइंग 11 में इन्हें उतार सकती है मैदान पर, या फिर दोस्तों हो सकता है कि डेनियल सैम्स को भी वहाँ पर मौका मिल जाए। लेकिन शायद दोस्तों डेनियल सैम्स ने फिलहाल ट्रेनिंग स्टार्ट की है या फिर नहीं स्टार्ट की है, इस पर अभी तक कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं आई है, क्योंकि उनकी तस्वीरें जो है RCB टीम ने ट्विटर हैंडल पर या फिर सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की है। मगर भाइयों, फिन एलन, केन रिचर्डसन और एडम जैम्पा, ये तीनों खिलाड़ी जो जमकर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें से किसी एक को मौका मिलने वाला है आने वाले मुकाबले के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ बड़ी अपडेट्स, कुछ बड़ी खुशखबरी RCB टीम के लिए इस मुकाबले से पहले। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।